हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो आज संडे और हम आ रखे हैं बर्ड पार्क। तो हमारे साथ हैं काफ़ी सारे लोग जो मैं अभी आपको मिलवाने वाला हूँ। फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं बर्ड पार्क के टिकट काउंटर पे। तो अभी हम यहाँ से टिकट लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये यहाँ का टिकट काउंटर है स्टार्टिंग में, और यहाँ पर टिकट का रेट है 50, 30, 100, पता नहीं कैसे दिखाता हूँ। एडल्ट के लिए 50 रुपीज़ है और 5 से 12 साल के 30 रुपये है। वयस्क विदेशियों के लिए 100 रुपये है, फॉरनरों के लिए। यहाँ पर देख लेना। और अभी यहाँ पर काफ़ी क्राउड है क्योंकि आज संडे है, हमारा संडे का ऑफ होता है, तो हम संडे को ही घूमने जाते हैं मोस्टली। तो अभी अंदर टिकट ले लेते पहले, फिर उसके बाद अंदर जाके बताएंगे आपको। आज मुझे जुकाम लग रहा है बड़े दिनों से, तो आवाज़ मेरी बहुत ख़राब हो रखी है, तो मैनेज कर लेना। हालत ख़राब हो रखी है अभी। अच्छा सो गाइज, हमने टिकट ले ली है और हमारे साथ है अभी ये सचिन, और ये सचिन की गर्लफ्रेंड। तो यहाँ से उसका एंट्री, यहाँ से मंदिर जाएंगे, और यहाँ पर पहले भैया को टिकट चेक करानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स। अब हम चलते हैं अंदर। और यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी फॉरेस्ट, व्हाइट व्हाइट पत्थर और घास के बीच से। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल इधर जाना है, मेरे को रास्ता नहीं पता, मैं पहली बार आया हूँ खुद ही। और यहाँ पर डिटेल्स में चिड़िया और उनके नाम से लिखे हुए हैं, और बाकी यहाँ पर अभी हम चल रहे हैं आगे धीरे धीरे। यहाँ रेड मिट्टी डाल रखी है भयंकर। फिलहाल तो हमें यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, अंग्रेजी दिख रहे हैं और पार्क पार्क से दिख रहे हैं। अभी चिड़िया चिड़िया तो कहीं दिखी नहीं। इस साइड पता नहीं क्या लगा रखा है इन्होंने। और यहाँ पर कुछ पानी जैसा दिख रहा है मेरे को, चिड़ियाघर बना रखा है ना, चिड़ियाघर ही तो है बर्ड पार्क और चिड़ियाघर। यहाँ पे बत्तख है छोटा सा स्टार्टिंग में, अभी हमें यही दिखा है। बत्तख दिखने के बाद पत्थर वाले बत्तख बना रखे हैं, आपस में चोंच मिला रहे हैं। और यहाँ पर हमारे लिप्टी इसके डाले हैं। और इस साइड पार्क है, और यहाँ पर हाथ में पता नहीं कोरोना वायरस उठा रखा है उसने। मेरे को तो कोरोना जैसे दिख रहा है, जैसे न्यूज़ वाले नहीं दिखाते। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और यह है 70 वाटिका के लिए, बट इस साइड लोग कम ही आ रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें उस साइड जाना चाहिए क्योंकि उस साइड काफ़ी क्राउड है। और यहाँ पर एक चील सा बना रखा है उड़ता हुआ, अभी अंकल भी उठ रहे थे उसके साथ में, बट अंकल चले गए, वीडियो देख रहे अपनी। तो मुझे बहुत धूप लग रही है यहाँ पे, वैसे मैंने ब्लैक शर्ट डाल दी ऊपर से, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है। मेरे पीछे से आ रहे हैं, अभी ज़्यादा फोकस मार देता है मेरा कैमरा ना, आगे मेरे पे फोकस मार, पीछे वाले ब्लर हो रखे सारे। मैं तेज़ भी नहीं बोल पा रहा क्योंकि मेरे को गला बैठ रखा पूरा, बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो अब फाइनली हमारी मेन एंट्री आ चुकी है चंडीगढ़ बर्ड पार्क। चंडीगढ़ बर्ड पार्क जो कि सुखना लेक के साथ में है, सुखना लेक रॉक गार्डन इन दोनों के साथ में ही है। यहाँ से इसका मेन एंट्रेंस है, तो अंदर जाके देखते हैं। और बहुत सही बना रखे हैं यहाँ फिर, वाओ ब्यूटीफुल, आर्टिफिशियल वो बना रखी है चील वगैरह, जितनी भी चिड़िया वगैरह होती है। बाकी अंदर जाके दिखाते हैं आपको कि रियल वाली चिड़िया कहाँ दिखेंगी, क्योंकि वो अभी तक दिखी नहीं हमें, रियल वाले अंदर ही दिखेंगे। और यहाँ पर है चिड़िया हाउस, बर्ड हाउस, इसमें छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़िया हैं, वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप देख सकते हैं, ये रही एक चिड़िया, वो रही ऊपर, ऊपर वाली नहीं दिख रही, यहाँ पर ग्लास लग रखा तो पता नहीं चलता ज़्यादा। उधर पेड़ में उनके घोंसले बन रखे हैं, और आप पढ़ सकते हैं कौन सी चिड़िया है इनके बारे में। ये यहाँ पे लेट्स गो, नेक्स्ट हाउस वहाँ पे दिखेगा क्लियर। और यहाँ पे दूसरा बर्ड हाउस, यहाँ पर दूसरी वाली चिड़िया है, यानी कौन सी वाली है, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा, यहाँ पे धूप की वजह से ग्लास लग रखा है। हम चुके अंदर, और यहाँ पर है प्यारे प्यारे से बत्तख, जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पे प्यारे प्यारे से बत्तख हैं।
और यहाँ पर पानी निकल रहा है, ऊपर से पूरा ऐसे कवर कर रखा है। अच्छा लग रहा है काफी। और यहाँ से ये लोग आ रहे हैं और हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, समझे? तू समझा? हाँ। आगे चल के देखते हैं, अभी पार्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पार्क है अभी तो। आगे चल के देखते हैं क्या क्या और देखने को मिलेगा। यहाँ पे अच्छा लगा मेरे को क्योंकि यहाँ पे ठंडा भी है और पानी में वो थे बत्तख थे बड़े वाले। और बाकी आगे रास्ता मस्त बना रहा है घूम घूम के। ओहो यहाँ पे तो पूरा वाटर का फाउंटेन बना रखा है, झरना बह रहा है यहाँ पे, झरना जलप्रपात। यहाँ पे कोई बर्ड्स वगैरह नहीं है, अभी कुछ दे रखा है वुड डक, बट यहाँ पे है नहीं, ठीक है चल के देखते हैं। अरे यहाँ पर छोटा सा ब्रिज बन रखा है जहाँ पर ये फोटो शूट करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड में ऐसा सीन है तो फोटोज में अच्छा आ सकता है। और आगे का रास्ता ऐसा है। और यहाँ पर एक छोटा सा झरना और दिख रहा है मुझे। सो अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट पे, और यहाँ पे पूरी चेन ही चेन टांग रही है, जल्दी से भाग रही है फोटो खिंचाने के लिए। तो यहाँ से अंदर एंटर करेंगे, हर जगह फोटो खींचनी है। और यहाँ पूरा चेन ही चेन से वो बना रखा है रास्ता, अंदर कुछ पानी जैसा दिख रहा है मेरे को। एक छोटा सा और प्यारा सा झरना है यहाँ पे है बर्ड्स के। और यहाँ पर सचिन को काम मिल गया फोटो खींचने का, सचिन ने इनकी फोटो खींचनी पड़ेगी। पर ये दूर है, इसके पास हम जा नहीं सकते। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे नहा सकते हो, ऐसा मत सोचना। ये संजना की भैंसों के लिए, जब संजना भैंस मानेगी फिर शादी के बाद। घूम ही आ रहे हैं बस। और अभी एक और पानी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, इनकी फ़ोटो खींचना नहीं ख़त्म हो रहा है, मैं तो क्या फ़ोटो खिंचाऊँगा। और अभी सारा एग्ज़िट होने वाला है, हाँ इस वाले ब्लॉक से एग्ज़िट होने वाला है हमारा। अभी हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ पर मछलियाँ दिख रही है प्यारी प्यारी सी, दिखा बड़ी प्यारी प्यारी मछलियाँ यहाँ पे। पानी से ऊपर आ रही है, बाकी हमारा एग्जिट पॉइंट आ चुका है, फिर से चेन वाला एग्जिट है जैसे चेन वाली एंट्री थी। इनको चैन तो है नहीं, बड़ी भारी है। यहाँ से हो गया एग्जिट, ओके एक ब्लॉग तो खत्म हो गया, एक और अभी ऐसे हमारे तो दिखाएंगे। निकले पूरा घूम घाम के, जहाँ पे आपने बत्तख देखे, पानी के झरने देखे और छोटे छोटे पुल देखे, इन दो बत्तखों को देखे, प्यारे प्यारे लोग देखे, इन दो बत्तखों को देखा। यहाँ दो दो चार चार बत्तख हैं। सर यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए बेंच बना रखा है, यहाँ पे बैठ के फोटो खिंचा सकते हैं। और इसकी फोटो खिंच चुकी है, और अभी दूसरा सेम ब्लॉक है, ये पूरा नेट से बना रखा है, इसके भी अंदर वैसी जंजीर वाली एंट्री है। देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है मेरे को पढ़ना नहीं आता यार, बता दे। अब यहाँ से एंटर करते हैं, लेट्स गो। यहाँ से इन है एंट्री है, और यहाँ सारी जगह चेन ही लगा रखी है क्योंकि लोगों को तो चैन है नहीं, घूमने रोज ही आते हैं, इन्होंने सोचा यहीं चैन लगा ले। हाँ जी, तो अभी हम चल रहे हैं आगे धीरे धीरे, क्योंकि काफी लंबा है घूमने के लिए, और यहाँ अंदर तो काफी क्राउड दिख रहा है मेरे को। चलते था हमने भी घूमना ही है। यहाँ पे किसी के लिए बना रखा है, कोई है नहीं यहाँ पे, तो कोई चिड़िया के लिए हो, वो छोटे हैं नीचे प्यारे प्यारे से। यो बंद है, अंदर चलते, अंदर इतने सारे घोंसले बना रखे हैं।
यहाँ की एंट्री धड़म फड़म वाली है। इस पर इतना बड़ा नेस्ट बना, नेस्ट मतलब नेस्ट नेस्ट ही बोलते हैं ना घोंसले को, और इधर भी टंगा रखी है। और यहाँ नीचे है पार्क छोटा सा चिड़ियों के लिए, इसमें है पैरट्स छोटे छोटे, और ये छोटा सा पुल फिर से जैसे पिछले में था सेम। और इसके अंदर ओ वो असली है, हाँ असली है वो असली, हाँ दिखा दे मैंने असली है, वो हिल रहा है असली है, असली है पत्थर मारियो, हाँ नकली है नकली है, उसकी जीभ हिल रही है एक ही मोमेंट में, नकली लग रहा है, सो रहा है यार नकली। और यहाँ पर पानी है, इसमें कुछ नहीं है। अरे ऐसी जगहों में पत्थर रखे नहीं होते। एक और छोटा सा ब्रिज आ रहा है, इसमें निकल के आगे कुछ है देखने के लिए, और वो जाके पता चलेगा क्योंकि मैं आई फर्स्ट टाइम रहा हूँ, क्योंकि एक ही बार में बोर हो रहा ना बंदा, दोबारा आने की जरूरत नहीं। अच्छा यहाँ पे बोर तो नहीं होगा, खैर पुल तो तगड़ा बना रखे भयंकर, डोबरा झांठी का पुल बना रखा है। इस वाले में अंदर यही था जो कि ये सारे घोंसले घोंसले बना रखे हैं, उन्हीं में थोड़े बहुत चिड़िया, बाकी नहीं है इसमें कोई स्पेशल नहीं है कोई। यहाँ नीचे एक चिड़िया उधर साइड, वो देखो दिख रही नहीं दिख रही, ये जा रहा है येलो से, ये देखो ये जा रहा है। बाकी हम चलते हैं अब आगे, चलो फिर से एग्जिट मारते जंजीरों से, जंजीरें चीरते हुए निकलेंगे हम। यहाँ पर बड़ी भीड़ हो रही है, यहाँ क्या है ऐसा। अंदर एंटर कर चुके हैं काफ़ी स्ट्रगल के बाद, और यहाँ पर एक बाज मिलता है ईगल था, इसके हाथ में रख के फोटो खिंचानी होती है, उसका अलग से टिकट लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन। और ये ऊपर हवा में चढ़ रखे हैं, ये देख भी नहीं रहे, ये बोर हो चुके हैं बंदों को देख देख के। और यहाँ सामने भी एक घोंसला सा बना रखा है, उसके अंदर से प्यारा वाला है, बट मेरे कैमरे में ढंग से कैप्चर नहीं हो रहा क्योंकि धूप का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। और एक यहाँ पर ही आवाज़ कर रहा है, इसकी आवाज़ सुनो। अब इतनी लंबी लाइन लगी है, तब जाके हमारा नंबर आएगा, और यहाँ से बहुत लाइन लगी है। प्यारा से यहाँ पे भी ये भी आवाज़ कर रहा है बहुत। मैंने हाथ में ले लिया, हमारी बारी आ गई। अब संजना की बारी, डर क्यों रही है, मार नहीं रहा, वो ऑटोमेटिक लग रहे हैं, तिखे है ना। बस बस इसको पकड़ा फोन। अब सचिन की बारी आगे, चक दे बुला उसको अपनी तरफ बुला, जाओ जल्दी वीडियो बनाइए। नौ क्या है, अब राखी की बारी आ गई, उसके बाद मेरी बारी है। यार ये देख क्यों रहा है, ये बाहर खिंचा ली, ये थोड़े से निशान पड़े हैं जो कि दिख नहीं रहा, हो गया जी आपका। और अब चलते हैं बाहर, मेन यही था यहाँ पे जिसमें मज़ा आता है। क्या वो निशान पड़ गए, इनका हाथ लाल हो गया, अरे इतने नाजुक कर लियो आप, अगर अंदर चुप रखा ना तो देखियो हाथ लाल ही हो गया, तेरा हाथ भी लाल हो, अबे तुम्हारे हाथ लाल हो रखे हैं, ये देखो इसका नहीं हुआ। मेरे भी हल्के हल्के निशान है बट वैसा नहीं हुआ। इसके अगल बगल ऐसे पार्क है, जैसे आपको थक लगी है धूप की छाँव से बैठ, छाँव में बैठना अगर आपको तो ऐसा है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं और यहाँ पे बैठने के लिए बना रखे हैं अच्छा सा।
अच्छा हमको सिखा रहा है। तो हम चल रहे हैं आगे, हमें इतनी थक नहीं लगी है। और आगे कुछ दिख रहा है मेरे को, ग्लास हाउस। ग्लास हाउस मीन्स कि मतलब ग्लास लगे वहाँ पे, और कैफे टाइप का हो सकता है, शॉप है यार कोई। बना रखी छोटी सी बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए। आगे 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 शॉप है, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। चलिए चलते हैं। एक्जोटिका सोवनीर शॉप, यहाँ पर तो वही दिख रहे हैं चिड़िया जैसे, यहाँ पर टी शर्ट्स हैं, यहाँ पर ये सारे हैं जब बर्ड्स वाले हैं। अंदर जाने का मन नहीं कर रहा मेरा, धूप, मैं नहीं जाऊँगा अंदर। क्या करना अंदर जाके, मैं नहीं जाऊँगा इस अंदर। और यहाँ पर कॉफ़ी शॉप है, जो कॉफ़ी शॉप की एंट्री ऐसी है जो आज हम सबको इसको आज हम सबको कॉफ़ी पिलाने वाली है, पिलाने वाली। हमें प्यास लगी तो हम पानी लेके आएंगे पहले, और हमें अभी खाने का वो नहीं है, मन नहीं है, वो बाद में खाएंगे, अभी हम अभी तो आए हैं बस। यहाँ पर चिप्स वगैरह है, कैफे टाइप है, पैटीज वगैरह हैं, समोसे वगैरह हैं, बाकी अंदर ही होगा जो भी होगा। हमने उनसे कोल्ड कॉफ़ी मांगी, उन्होंने ये वाली दे दी, हमने दूसरी कोल्ड कॉफ़ी, हमें लगा था वो बना के देंगे उसी टाइम, हमारे साथ प्रैंक हो गया। प्रैंक हो गया आपके साथ। यहाँ से निकल रहे बाहर को, ये है यहाँ से एग्जिट लास्ट, फिर हम निकल रहे घर को। चलते हैं आप सीधे घर, नहीं जा रहे सॉरी, अभी हम बाहर निकल रहे हैं, एग्जिट की साइड आ रहे हैं। यहाँ इतनी धूल उड़ रही है ना, ये लाल मिट्टी है, रेड वाली मिट्टी, लाल मिट्टी की इतनी धूल उड़ रही है ना लाल मिट्टी की वजह से, क्योंकि क्राउड बहुत भयंकर, आपको नहीं दिख रही होगी कैमरे में, बट उड़ रही है। और अभी हम आ गए एग्जिट में, यहाँ से मंदिर आए थे और यहाँ से हम बाहर जाएंगे, लेट्स गो। अरे यहाँ पार्कों से घूम घूम के आ रहे हैं अंदर अंदर से, और मेरे को तो छाँव चाहिए, धूप लग रही है। चलो